सम देवना दूजा सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो चार दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, तीन दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, सात दो हल्दी की गठा, दो कमल गट्टे, दो तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित कर, दो अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, पांच घी के दिए जलाएं, दीप प्रगट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम पांच दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में, कृपा करो माँ हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो। माँ माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ से तब पांचों दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा, दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो अंडा आपने पानी का भरा हुआ है, तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज, चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए, पांचवा दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे पांच स्थान पर पांच दीयों को रखो, थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए, और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, जो संपदा के देने वाले, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए, बाबा से निवेदन करो। महाराज हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा तेरी माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं, ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज तब अपन अगले दिन पांचवे दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे, और कल जब अपन पांचवे दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे, कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे। दीपावली की जो पांच दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें दो सिक्के चांदी का और आपने सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, एक अमरबेल का टुकड़ा और घी के पांच दिए लगाइए, माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु रौली हल्दी मौली चंदन चावल मेहंदी अबीर गुलाल लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर, और अच्छा मुहूर्त देखकर लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पेसार कर अपने
हमारी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो, और माता को अपनी झोली में दो सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए, एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, एक अमर बिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए, और वहां से चौकी को आटे को हटा दो, थाली को हटा दो, और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोछा फेर दो, और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं अमर बेल कमलगट्टा हल्दी की गांठ जो रखी है उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। पांच दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से एक दिया जिस अलमारी में जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है उसी अलमारी उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। चार दिए में से एक दिया मंदिर में रखिए, एक दिया पानी के स्थान पर रखिए, एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए, और एक दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे पांच दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए, द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये पांच दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद का पूर्ण पांच दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की कार्तिक का महीना जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान देवति जो महादेव देव भगवान जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भंडार बनाने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन दामोदर मास में कार्तिक के महीने में भगवान शिव की पवित्र धारा से कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से ये तीन दिवसीय शिव चर्चा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला। कार्तिक के महीने में जो दीपावली के